हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पर्यावरण के पार्ट 2 का। इस पार्ट का नाम है बच्चों कान कान में। इस पार्ट का जो पहला प्रश्न है बच्चों, वो है ऐसे जानवरों के नाम लिखिए जिनके कान हो। पहला है पंखे जैसे, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों हाथी। दूसरा है सिर के ऊपर, इसका उत्तर हो जाएगा खरगोश। तीसरा है सिर के दोनों तरफ, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों गाय। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 1 को पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, जानवरों जैसे जेब्रा पर सफ़ेद काली पट्टियां, चीते पर गोल धब्बे आदि डिज़ाइन अपने देखी होंगी, इनके शरीर पर ये डिज़ाइन किससे बनी होती हैं? तो बच्चों, जो जानवर होते हैं उनके शरीर पर जो बाल होते हैं उससे उन जानवरों के शरीर पर डिज़ाइन बनती हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, जानवरों के शरीर पर डिज़ाइन उनके बालों से बनी होती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 2 पूर्ण होता है। प्रश्न क्रमांक 3 बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 है छिपकली के शरीर पर बाल नहीं होते तब वह अंडे देगी या बच्चों को जन्म देगी। ये कोई बच्चों लॉजिक नहीं है कि बाल हैं तो बच्चे देंगे कि अंडे देंगे, इसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन छिपकली जो होती है वो देती है बच्चों अंडे देती है, ठीक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छिपकली अंडे देगी। प्रश्न क्रमांक 4 ये है, क्या आपने इससे मिलता जुलता कोई जानवर कहीं देखा है? उसका नाम पता करो और लिखो। तो सबसे पहले तो ये चित्र में जो जानवर दिख रहा है बच्चों, वो क्या है? दरियाई घोड़ा है, ठीक है? तो हम इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि चित्र में दिखाई देने वाला जानवर दरियाई घोड़ा है, इससे मिलता जुलता जानवर गेंडा हाथी होता है, ठीक है बच्चों? इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 4 पूर्ण होता है। प्रश्न क्रमांक 5, किन जानवरों के कान पत्ते की तरह दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर होगा पत्ते जैसे कान हाथी के दिखाई देते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, तो इसमें दिया है बच्चों इस जानवर को देखो, इसका नाम लिखो और ये कहाँ रहता है। तो ये जो चित्र दिख रहा है बच्चों, इस जानवर का हमें नाम बताना है। तो ये शेर नहीं है बच्चों, ये चीता है, ठीक है? तो ये चीता है और ये कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यह चीता है, यह जंगल में रहता है। प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों, चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए। तो ये जो चित्र हमें दिया है बच्चों, इसे हमें ध्यानपूर्वक देखना है और फिर बताना है कि ये जानवर कौन कौन से हैं, इनके नाम लिखिए, क्या आपको इन जानवरों के कान दिखाई दे रहे हैं? तो सबसे पहले जो जानवर दिखाई दे रहा है हमें बच्चों, वो है मुर्गी। दूसरे नंबर पे चिड़िया है, तीसरे नंबर पे तोता है, पांचवें नंबर पे बतख है, छठे नंबर पे कौवा है और सातवें नंबर पे मेंढक है। इतने हमें जानवर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन जानवर के हमें कान नहीं दिखाई देते, क्योंकि इनके जो कान होते हैं वो एक छिद्र नुमा होते हैं, छिद्र के आकार के होते हैं। जैसे हमारे जो बाहरी कान होते हैं हमारे कान दिखाई देते हैं, इस प्रकार से इन जानवरों के कान दिखाई नहीं देते। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले तो इनके नाम लिख देना है, मुर्गी, चिड़िया, तोता, बतख, कौवा और मेंढक, ठीक है? और फिर लिखना है नहीं, इनके कान नहीं दिखाई देते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं, फिर वे सुनते कैसे होंगे? तो देखो बच्चों, पक्षियों के कान दिखाई तो नहीं देते, लेकिन उनके कान होते हैं, उनके कान छिद्रनुमा होते हैं और जो कि बालों से या फिर उनके पंखों से, परों से ढके होते हैं, ठीक है बच्चों? तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं परंतु उनके कान छिद्र रूप में होते हैं, अतः पक्षी अपने छिद्र रूपी कानों से सुन सकते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर पूर्ण होता है। प्रश्न क्रमांक 9 जो है, आपको कोई ना कोई जानवर अवश्य पसंद होगा। हाँ है, उसका नाम बताइए एवं उस जानवर का चित्र दिए गए स्थान पर बनाइए। तो बच्चों, मुझे कुत्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट सा लगता है और है ना, वो वफादार भी बहुत होता है और समझदार भी बहुत होता है। तो इस जानवर की मैंने एक इमेज डाल दी है यहाँ, क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है इसलिए मैंने यहाँ इमेज से काम चला लिया है और उसका नाम लिख दिया है कुत्ता। तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 9 कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 बच्चों, ये प्रश्न क्रमांक 10 है, नीचे कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं, इनमें से अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले जानवरों के नाम अलग अलग बॉक्स में लिखिए। तो हमें पता है बच्चों, ये जो बॉक्स दिख रहा है इसमें कुछ जानवरों के नाम हमें दिए गए हैं, उसमें से कुछ अंडे देते हैं और कुछ बच्चे देते हैं।
तो इस वाले जो ये वाला बॉक्स है बच्चों, इसमें हमें अंडे देने वाले जानवरों के नाम लिखना है, और दूसरा बॉक्स है उसमें हमें बच्चे देने वाले जानवरों के नाम लिखना है। तो दोनों को मैंने अलग अलग करके छाट कर लिख दिया है, तो आप यहाँ से देख कर लिख सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है बच्चों कि जिन जानवरों के कान छिद्रनुमा होते हैं वे अंडे देते हैं, और जिन जानवरों के कान बाहर लटके हुए होते हैं वे जानवर बच्चे देते हैं। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन से जानवर बच्चे देते हैं और कौन से जानवर अंडे देते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है बच्चों। तो यहीं हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है बच्चों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट।